वीडियो में हम इंसर्ट टैब के यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक किया हमने टेक्स्ट ग्रुप के टेक्स्ट बॉक्स और क्यूक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जानते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जितना भी लिखा हुआ है ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है, सपोज करो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन निकलेंगे। ये देखो ड्रॉप डाउन एरो है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये क्लिक करते हमारे सामने बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन अब हमने यूज़ करना है ये यहाँ से हमने चूज़ करना है। सपोज करो पहले वाला ये हमने ले लिया, ये देखो ये लेते हैं हमारे सामने ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में ये हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जगह हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, जैसे सपोज करो कंप्यूटर साइंस ये लिखा हमने, तो ये हमारे सामने यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। ये देखो हमारे सामने ये टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। तो इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी जगह हमें और टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो हम और टेक्स्ट बॉक्स भी इसकी जगह ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स पे गए, ये देखो अलग अलग यहाँ पे टाइप्स के टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये सभी टेक्स्ट बॉक्स हैं। ये जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं यहाँ से हमने चूज़ करना है। ये सपोज करो ये जितने भी दिए हुए हैं हमारे पास, ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये तो यहाँ पे आने के बाद जैसे ये सपोज करो यहाँ पे हमने कुछ लिखा ये जैसे बायस ज्ञान टेक, ये लिखा टेक्स्ट बॉक्स में, ये लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया आईटी। तो सपोज करो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये, तो इस प्रकार हम लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ भी हम टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं ये। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में बहुत से ऑप्शन पड़े हुए हैं, हम कोई भी ऑप्शन यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स का। तो इसके अलावा हमारे पास अगर और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगाना है तो हम ये मिटाएंगे, ये देखो यहाँ से चला गया। अगर और चाहिए तो फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, अगर राइट हैंड साइड में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये ऑप्शन हम लेंगे, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो राइट हैंड साइड, ये डॉक्यूमेंट के राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब यहाँ भी हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हम टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स में, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स है ये, इसमें अगर मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com, यहाँ से भी हम और टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं ये। इसके अलावा अगर हमने ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करना है तो हम ड्रा टेक्स्ट बॉक्स ये भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर सपोज करो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ भी हमने लिख दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके बाद ये हम पीछे यहाँ पे इसको बैक करते हैं, ये गए, और फिर हम इसके बाद ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लगाने जाते हैं तो हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाके अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स हैं जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जाने के बाद अगला है हमारे पास क्यूक पार्ट। क्यूक पार्ट का मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को ऑटोमेटिक लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो टेक्स्ट हमें टाइप करके यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये हमारा क्यूक पार्ट है, ये रखना पड़ेगा। और जब भी हमें वो टेक्स्ट चाहिए तो हम एक ही क्लिक करके वहाँ पर
जा सकते हैं और उस टेक्स्ट को हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी लगा सकते हैं। तो क्विक पार्ट में पहला ऑप्शन है, ये हमारा क्विक पार्ट है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑटो टेक्स्ट। तो ये हमारा ऑटो टेक्स्ट है, ये पहला ऑप्शन हमारे पास आ गया, ये ऑटो टेक्स्ट। तो ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक टेक्स्ट लगाना। जैसे सपोज करो ये मैंने यहाँ पे ये हमने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अब कहाँ पे गए हम, इसके बाद हम ऑटो टेक्स्ट पे जाएंगे। ऑटो टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा नेम है वीडियो प्रोवाइड्स, यहाँ पे आ जाएगा ये। इसके बाद गैलरी ऑटो टेक्स्ट, इसमें सेव हो जाएगा ये कैटेगरी जर्नल, और इसमें हमारा ये सेव इन नॉर्मल में करना है, ये ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर हम ये सपोज करो ये हमने ये लिखा हुआ है, ये ऑटो टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि सपोज करो ये लाइन हमने यहाँ पे दोबारा लिखनी है, तो ये लाइन दोबारा लिखने के लिए हमें ये दो इसके तीन या चार करेक्टर ही लिखने पड़ेंगे और ये पूरी की पूरी लाइन लिख के ये नीचे आ जाएगी। सपोज करो अब हम यहाँ पे ये सिलेक्ट की थी, ये हमने यहाँ पे लिखनी है, ये देखो वीडियो हमने तीन चार यहाँ पे करेक्टर लिखे और यहाँ पे एंटर मारा, ये देखो एंटर, तो जो हमने सेलेक्ट किया था ये देखो ये लाइन हमने सेलेक्ट की थी, तो ये लाइन हमें सारी लिखनी नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ गई है। हमने क्या किया, तीन या चार इसके करेक्टर हमने यहाँ पे लिखे और इस ये हमें लाइन पूरी लिखनी नहीं पड़ी और ये सारी लाइन यहाँ पे आ गई। इसके बाद है सपोज करो हम ये सारा पैराग्राफ ये नहीं लिखना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं इसके तीन चार करेक्टर लिखेंगे और ये सारा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये सपोज करो ये सारा सेलेक्ट किया, सारा सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्विक पार्ट पे गए, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे गए। ऑटो टेक्स्ट पे जाने के बाद हम यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी यहाँ पे गए। अब क्या है, हम यहाँ पे ये सारा पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया हुआ है, टू मेक योर ये लिखा हमने नेम पे गैलरी ऑटो टेक्स्ट, यहाँ पे सेव करना है इसको कैटेगरी जर्नल, यहाँ पे नॉर्मल भरा हमने और यहाँ पे ओके कर दिए। ये देखो अब क्या करना है, अगर हम कहीं पे अपने जो डॉक्यूमेंट है कहीं पे हम ये पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ हमें सारा लिखना नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे सपोज करो एंटर मारा, ये पैराग्राफ हमने लिखना है, तो यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने टू आगे क्या लिखा हुआ, मेक मेक, ये देखो ऊपर ये आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने प्रेस एंटर करना है, ये देखो ये जो जितना पैराग्राफ था ये सारा का सारा पैराग्राफ यहाँ नीचे आ गया है, तो ये पैराग्राफ हमें बार बार लिखना नहीं पड़े, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पे पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। हमने क्या किया, तीन या चार करेक्टर यहाँ पे एंटर किए और ये देखो हमारा काम जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पे हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्विक पार्ट में जाके ऑटो टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑटो टेक्स्ट को हमें ये डिलीट भी कर सकते हैं, ये आगे हम करेंगे इसमें। इसके बाद हमारे पास ये डॉक्यूमेंट गैलरी है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ये हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, तो ये कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए ये अब हम यहाँ पे जाएंगे, अपने फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाने के बाद हम इन्फो पे जाएंगे, इन्फो पे जाने के बाद ये हमारे पास प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, ये हमारा पेज वन है, वर्ड्स हमारे पास 296, तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी इसकी जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में ये जो डाउन एरो
बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडवांस्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एडवांस्ड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। पॉपअप मेन्यू में टाइटल में हमने, यहाँ पे टाइटल में हमने कंप्यूटर हमने यहाँ पे जीके लिखा टाइटल इसमें। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे हम सपोज करो यहाँ पे सीएस लिख दे हैं, ये कंप्यूटर साइंस। इसके बाद ऑथर, यहाँ पे ऑथर, यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे नेम लिखा अमित। इसके बाद मैनेजर, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ये इशपाल सिंह। इसके बाद कंपनी, यहाँ पे सपोज करो कंपनी आईटी, ये कंपनी लिख दी मैंने। कैटेगरी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके बाद कीवर्ड, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जैसे सपोज करो माउस, राइट पेन, ये सपोज करो मैंने कीवर्ड लिख लिए यहाँ पे। कमेंट्स पे मैंने यहाँ पे नाइस कमेंट पे लिखा। हाइपरलिंक यहाँ पे सपोज करो मैंने हाइपरलिंक लिखा यहाँ पे, डॉट बाई एस ज्ञानटेक, अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिखा मैंने, जैसे बाई एस ज्ञानटेक चैनल डॉट कॉम, ये चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर हम यहाँ पे वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद सपोज करो यहाँ पे ये हमारा क्यूक पार्ट है, क्यूक पार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ये आ गया। ये यहाँ पे फिर हमने ऑथर यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ऑथर यहाँ पे अमित आ गया, ये हमने वहाँ पे भरा था ये। इसके बाद सेकंड, अगर और चाहिए हमें तो अमित के बाद क्यूब पार्ट में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे सपोज करो अब हमने क्या करना है, ये जैसे हमने लिखा था कंपनी, तो ये कंपनी, ये देखो आईटी कंपनी आ गई, ये आईटी। इसके बाद फिर हम क्यूब पार्ट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अब ये मैनेजर क्या लिखा था मैंने, अपना नाम लिखा था, ये देखो मैनेजर, ये यशपाल सिंह, ये मैनेजर आ गया। तो इस प्रकार हम ये हमारा ये जो क्यूक पार्ट है इसमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में कुछ भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे हमें काम करना में जल्दी हो जाती है, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे शो करेगा। तो इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास, ये जैसे मैंने यहाँ पे एंटर मारा, अगला ऑप्शन हमारे पास फील्ड, यहाँ पे फील्ड पे क्लिक किया, ये देखो फील्ड। अब फील्ड जो है ये फील्ड हमारे पास अलग अलग, ये हमारी जो कैटेगरीज है ये दी हुई है यहाँ पे, ये देखो ऑथर, यहाँ पे ऑथर पे क्लिक किया, ये देखो ऑथर। अब ये जो ऑथर हमने लिखा था ये कैसे आना चाहिए, पहले तो हमने अपर केस में लिखा था, लोअर केस में चाहिए, फर्स्ट कैपिटल में चाहिए, लेटर केस में चाहिए, किस में चाहिए, सपोज करो पहले हमने अपर केस में लिखा था, अब क्या चाहिए लोअर केस में, ऑथर, तो ये देखो लोअर केस, ओके, ये देखो पहले अपर केस में था ये लोअर केस में आ जाएगा। तो इसके बाद और अगर हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है तो क्यूक पार्ट पे जाके फील्ड पे जाना है, सपोज करो पहले हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, ये एंटर प्रेस करने के बाद हम क्यूक पार्ट पे जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे। फील्ड पे जाने के बाद अगर और भी यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ क्लिक करना है, ये देखो बहुत सी यहाँ पे कैटेगरी हैं, जो भी हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखो हमारे पास बहुत से इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी ऑप्शन हमें चाहिए, जैसे ये हमारे पास ये सपोज करो टाइटल, ये है टाइटल किस में चाहिए, ये फर्स्ट कैपिटल में चाहिए, ओके, तो
तो ये देखो टाइटल क्या भरा था, कंप्यूटर जीके। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्यूक पार्ट में जाके हम फील्ड का यूज कर सकते हैं। तो फील्ड का यूज करने के बाद अगले हमारे पास जो ऑप्शन है ये, जैसे सपोज करो सेव सिलेक्शंस टू क्यूक पार्ट गैलरी। अगर हम कुछ सपोज करो ये हमारे पास ये बना हुआ है ये, या ये ही बना हुआ है, ये हमें बार बार नहीं लिखना है ये, तो हम क्या करेंगे, ये हमें बार बार लिखना ना पड़े, हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्यूक पार्ट पे जाएंगे। क्यूक पार्ट पे जाने के बाद ये जो सिलेक्शन हमने सिलेक्शन जो की हुई है ये हमें बार बार लिखना ना पड़े, तो हम क्या करेंगे इसको सेव सिलेक्शन टू क्यूक पार्ट गैलरी यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद ये नेम आ गया आपका, ये गैलरी क्यूक पार्ट में, कैटेगरी जनरल, इसके बाद सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसमें करना है ये। इसके बाद यहाँ पे ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब क्या करेंगे, जैसे हमने ये जितना भी लिखा हुआ है ये यहाँ पे चाहिए, सपोज करो यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर लिया, ये ऊपर क्लिक किया। अब क्या चाहिए हमें, तो ये चाहिए, तो इस सेव सिलेक्शन क्यूक पार्ट गैलरी को यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो ये सारी ये गैलरी हमें बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेगी, ये जितना भी टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। तो इस प्रकार हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्यूक पार्ट में अगला ऑप्शन है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर, ये आएगा। यहाँ पे क्लिक करती है हमारे पास ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें जो हमने यहाँ पे पहले सिलेक्शन की थी वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से एडिट प्रॉपर्टी करना तो हम प्रॉपर्टी को एडिट भी कर सकते हैं ये, या डिलीट करना, यहाँ से कुछ बनाया हुआ है अगर हम चाहते हैं कि ये डिलीट करना है, सपोज करो ये हमने डिलीट करना है, टू मेक कि ये सिलेक्शन जो हमने पीछे बनाई थी ये हमने डिलीट करनी है, ये सिलेक्ट की, यहाँ पे डिलीट किया, यस किया, ये देखो ये चली जाएगी। दूसरी भी अगर हम ये डिलीट करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट किया, डिलीट किया, यस किया, ये भी चली जाएगी। तो इस प्रकार जितने भी हमने यहाँ पे ये है, जैसे हमने क्यूक पार्ट पे सपोज करो ये बंद किया हमने, क्यूक पार्ट पे ये जितने भी ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे बनाए थे इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इससे इसके बाद ये अगर हम ये जैसे ये कवर पेज है ये देखो प्रीव्यू आएगा इसका, कवर पेज, ये कवर पेज अगर हमें चाहिए तो हम ये कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं ये। तो इसके लिए सपोज ये अलग अलग यहाँ पे कवर पेज हैं, जो भी चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करेंगे वो कवर पेज यहाँ पे आ जाएगा। सपोज ये चाहिए, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये देखो ये कवर पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं ये। तो ये हमारा ये क्यूक पार्ट में हमारा ये जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर ये, इसमें ये ऑप्शन आते हैं। तो इस प्रकार हम ये हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स था इसके बारे में और क्यूक पार्ट के बारे में आज हमने सीखा। अगर आपको एमएस वर्ल्ड 2019 को शुरू से लेकर लास्ट तक समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।